इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, पपीते में भगवान शिव की आकृति देखकर हैरान हुए लोग। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। जिले के घर में पपीता काटने के दौरान एक महिला को भगवान शिव की आकृति देखने को मिली है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। पपीते में शिव की आकृति देखने के बाद लोगों का हुजूम पूजा करने के लिए उमड़ पड़ा है। दरअसल जिले में रहने वाले भद्रेश्वर दत्त पके हुए पपीते को खाने के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं और घर में मौजूद महिला जब इस पपीते को काटती है तो अंदर के नजारे को देख अभिभूत हो जाती है। वो देखती है कि इस पपीते के अंदर भगवान शिव की आकृति बनी हुई है और महादेव विराजमान है। बस फिर क्या था, भगवान के दर्शन होते ही घर की महिलाओं ने उस पपीते को काटना बंद किया और भगवान की जगह उसको बिठा दिया और अगरबत्ती से उसकी पूजा करने लगी। ये घटना खास इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, भारी तादाद में शिव भक्त शिव की अर्चना में लीन है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने कोई तारकेश्वर जाता है, कोई बनारस जाता है तो कोई अन्य स्थानों पर। विशेष तौर पर सावन का सोमवार हिंदू धर्म के लिए काफी खास माना जाता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जिस वाहन में आते हैं वो फल होता है और आज वह इस पपीते के अंदर बैठ कर आए हैं। खास बात यह है कि महिलाओं ने इस पपीते की पूजा करने के बाद उसको भगवान की मूर्ति की तरह पानी में विसर्जित कर दिया। लोगों का कहना था कि पपीता अगर ज्यादा दिनों तक ऐसे ही रहेगा तो खराब होकर सड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको पानी में बहाने का फैसला लिया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।